बात करने वाले हैं कि अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म फिल कर दिया और उसकी जो अपॉइंटमेंट डेट होती है वो भी आपने ले ली थी, मगर किसी कारणवश क्या है कि आप उस डेट को नहीं पहुंच पाए अपने आरडीओ, या फिर आप चाहते हैं कि उस डेट को आप नहीं पहुंच पाएंगे, आप दोबारा से री अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप री अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे? इसके लिए देखिए करना क्या, परिवहन सेवा की वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आ जाना है। जैसे आ जाते हैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे यहाँ पर लिखा है ड्रग ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, तो उसी पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना कि आप किस स्टेट से आते हैं, तो जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे तो आप उसी स्टेट की जो आरटीओ की वेबसाइट है आप उसकी तरफ रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इसे स्किप कर देना है, जैसे स्किप कर देते तो देखिए आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे लिखा है अपॉइंटमेंट, इस अपॉइंटमेंट वाली बटन पे आपको टिक कर देना है। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा है स्लॉट कैंसिलेशन, देखिए यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगी, तो यहाँ पे लिखा है कैंसिलेशन एलएल स्लॉट बुकिंग। अगर देखिए आपने जो स्लॉट बुक है वो लर्निंग लाइसेंस के लिए किया तो एलएल पे करना है टिक, अगर आपने डीएल के लिए किया था तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, जो अप्लाई किया था उस समय आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा वो यहाँ फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ का कैंडिडेट की वो यहाँ डाल देना है, ये वाला कैप्चा कोड है आपको इस बॉक्स में फिल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे देखिए सबमिट कर देंगे वैसे ही आपके मोबाइल पर देखिए आपका ओटीपी जाएगा, देखिए जब तक आप ओटीपी नहीं डालेंगे तब तक आपका यहाँ पे स्लॉट कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ओटीपी फिल करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। आप देखिए जो भी आपने अपॉइंटमेंट लिया था और आपकी सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाए, उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना, देखिए यहाँ पे आपको दो बटन मिलेगी, आपको इन दोनों को टिक कर देना है और यहाँ पे लिखा कैंसिल अपॉइंटमेंट, तो देखिए आपको इस पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो स्लॉट बुकिंग था वो देखिए यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। अब देखिए आपको दोबारा से अपना बुकिंग करना है तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्लॉट बुकिंग वाली बटन, इस पर टिक करना है। आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और लर्निंग लाइसेंस नंबर मिलेगा, तो देखिए हम एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से यहाँ पे सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देंगे, ये कैप्चा यहाँ डाल के आपको सबमिट कर, तो देखिए आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे आना, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक मोटरसाइकिल विद गियर का और दूसरा है लाइट मोटर व्हीकल, तो आपको दोनों को इसे टिक कर देना, सीट टू बुक तो आपको इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको स्लॉट की डिटेल देखने को मिलेगी, जो देखिए ग्रीन कलर के शो हो रहे हैं नंबर, ये देखिए अवेलेबल हैं, इन्हें आप बुक कर सकते हैं, और जो देखिए ब्लू कलर के शो हो रहे हैं यहाँ पर वो देखिए हॉलीडे हैं यानी छुट्टी हैं, आप अपने हिसाब से देख लें किस तारीख को आप जाना चाहते हैं अपने आरडीओ। तो देखिए हम यहाँ पर एक ही देखिए 6 तारीख को है, 7 तारीख को है, 8 9 को छुट्टी है, फिर 10 को छुट्टी है, ऐसे करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप उतने यहाँ से कर लें, तो जो भी है नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसे देखिए आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको टाइमिंग सेलेक्ट आज ही जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए थर्ड राउंड वाले को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इस बटन पर आपको टिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर लिखा स्लॉट बुकिंग, आपको इस पर टिक कर देना है। अब देखिए जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है इस पर देखिए उस पर एक ओटीपी भेज दिया गया है, वो आपको यहाँ पर डाल के सबमिट कर देना है, थोड़ा वेट कर लेना, अगर नहीं आता तो यहाँ पर रीसेंड वाली बटन मिल जाएगी, आपको इस पर टिक करके दोबारा से भेज लेना है। अब देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी जो भी डिटेल है आपके सामने देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर लगा कन्फर्म टू स्लॉट बुक, तो देखिए आपको इसी वाली बटन पर टिक कर देना, यहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट क्लियर हो चुका है, डन हो चुका है, और आपको सामने इस तरह की रिसीविंग भी जनरेट कर दी गई है। तो देखिए आपको इसे यहाँ से प्रिंट करके आपको इसे जरूर निकाल लेना है, आप जो भी डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं उनके सभी को साथ लगा के, साथ में अपने डॉक्यूमेंट में आपको ये अपॉइंटमेंट स्लिप भी लगा के आपको वहाँ होगा, तो इस तरह से आप दोबारा से री अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो में जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक।